देश में 19 अप्रैल से आम चुनाव होने जा रहे हैं और 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। वहीं कहीं ना कहीं देश की राजनीति अब इस वक्त गर्म हो चली है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है कि हमारे दो बड़े खिलाड़ी यानी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा प्रोपेगेंडा रच रही है विपक्ष के खिलाफ। इसको लेकर 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और एक बड़ी रैली हुई और ताकत प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। हमारे साथ गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सर क्या लगता है जो दिल्ली में एक बड़ा, मैं तो पहले कह दूं कि इंडिया गठबंधन और इसको पूरा देश मानता है घमंडिया गठबंधन है। आज इस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपने मजबूत साथी, तो इससे स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी के पास जो मजबूत साथी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जेल में बंद है। ऐसे लोगों की जमात का ये गठबंधन बना है और वो गठबंधन इस देश के भला के लिए नहीं बना, ये गठबंधन अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने चहेते भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस तरह का गठबंधन बेमेल गठबंधन है। और इस बात को इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं की है और यही कारण है कि आज इस देश की जनता 2014, 2019 और 2024 एक बार पुनः इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अब इस बात की राहुल गांधी और ऐसे भ्रष्टाचारी घमंडिया गठबंधन को दर्द है कि हम इस देश की जनता उनको भूल चुकी है और उनको पहचानती नहीं। अब वो अपनी पहचान बनाने के लिए, ये भ्रष्टाचारियों की एक जमात है, इस देश की जनता अब उनके साथ जाने वाली नहीं। एक बड़ा सवाल सर, 400 पार का प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, तो उस पर बीजेपी का क्या एक आपका पक्ष रहेगा? पूर्वांचल से आते हैं, एक सवाल इस समय उठ रहा है कि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम माफिया के रूप में आते थे और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी समर्थन कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से आप कितनी चुनौतियाँ देखते हैं पूर्वांचल से? मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन और कैडर बेस्ड पार्टी है और हमने सरकार में रहते हुए आम जन के सरोकार के लिए, हमारी चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, सरकार ने आम जन के लिए तमाम योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया है, जिससे आम जन अपनों को यह महसूस करता है कि यह सरकार हमारी सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, वो महसूस करती है। और गाँव में रहने वाला गरीब तबका, उनको लगता है कि यह सरकार हमारी सरकार है और सरकार के क्रियाकलाप और सरकार की योजनाएँ और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन स्ट्रक्चर, जो सरकार में रहते हुए भी हमने आम जन के सरोकार के लिए संगठन ने उनके दरवाजे तक खड़ा रहा, उनके लिए वो सुविधा मुहैया कराई है, इस कारण हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा है और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस 13 लोकसभा में 13 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत करके जो पूरे देश का और पूरे उत्तर प्रदेश का 80 कमल रूपी माला बनेगा, उसमें हमारे गोरखपुर के भी 13 ऐसे पुष्प खिलते हुए उस माले में सुशोभित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसा इस गोरखपुर क्षेत्र में होने वाला। सर आप आजमगढ़ से आते हैं, आजमगढ़ बहुत चर्चित सीट है, समाजवादी पार्टी के एक गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है दिनेश लाल यादव आपके प्रत्याशी हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कभी इस देश में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, मिथक टूटते हैं। आजमगढ़ में कभी रहा होगा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन उन लोगों ने आजमगढ़ की जनता से वोट लिया और वोट के बाद उस जिले का जो समुचित विकास होना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जो लंबे समय से आज़ादी के कुछ दिनों बाद से ही आजमगढ़ में आवाज़ उठने लगी कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं, वहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। उनकी मांग को आज़ादी के इतने वर्षों बाद किसने पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार। जो आजमगढ़ के लोग कभी उन वो कनेक्टिविटी से दूर थे, वो लखनऊ जाना हो, बनारस जाना हो, गोरखपुर जाना हो, तो उनको आजमगढ़ से गोरखपुर आना है तो मिनिमम 4 घंटा, आजमगढ़ से बनारस जाना है मिनिमम 4 घंटा, लखनऊ जाना है तो 8 घंटा। आज आजमगढ़ को जैसे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, वैसे आजमगढ़ को भी उस विकास की मुख्यधारा से जोड़ करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के सर्वांगीण विकास को मुख्यधारा में लाया। इसके कारण आप लोगों ने देखा होगा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी वहाँ से विजयी हुए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आगामी 2024 के इस चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी अब आजमगढ़ का भी आम जन विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है और जुड़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ सहजानंद राय जी थे, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर किस तरीके से मोहर लगेगी इसको ये बता रहे थे।